गया है कि मुशायरे की कार्रवाई शुरू की जाए। ये हमारे बड़े हैं, इनका हुक्म मेरी सर पर, आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं मुशायरे का आगाज करना चाहता हूँ। आपकी इजाजत है मुशायरा शुरू किया जाए? तो जरा एक मरतबा जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दें मुझे मुशायरा शुरू किया जाए। कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाओ बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। या मैं आप हजरात से इस तरह भी अर्ज कर सकता हूं कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। हाजरीन अज़्ज़ाम, मैं मुशायरा शुरू करना चाहता हूं और इस वक्त मैं आप हजरात से एक मुअद्दबाना इल्तमास और गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अब आप हजरात को थोड़ी देर तालियां नहीं बजानी है। हाजरीन, सिर्फ आप हजरात को अपने लबों को जुम्बिश देनी है और सुभान अल्लाह माशाल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है। हाजरीन अज़्ज़ाम, सिर्फ दो मिनट की गुफ्तगू आप हजरात से करूंगा और मुशायरे का आगाज कर दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त चाहता हूं कि इस मुशायरे का आगाज हो और आप हजरात को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए। हाजरीन अज़्ज़ाम, देखिए तामीरे इमारत और तामीरे इंसान को एक ही शक्ल दी गई। इमारत की तामीर के लिए मिट्टी और पानी से गारा तैयार किया गया और इंसान की तामीर के लिए मिट्टी पानी से पुतला तामीर किया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि इमारत की तामीर इंसान ने की और इंसान और पुतले में रूह अल्लाह ने डाली। यानी यहाँ पर इमारत इंसान की मोहताज है और इंसान अल्लाह की जात और उसकी कुदरत का मोहताज है। इमारत अपने हुस्न का मजाहिरा करती है फनकार के बल पर और इंसान मजाहिरा करता है तो अल्लाह की जात व उसके महबूब के सदके पर। क्योंकि हाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी जहां नहीं हिलता वहां पर एक शायर को अगर अल्लाह का सहारा और उसके महबूब का सदका हासिल ना हो तो यकीनन वो अपने फन का मजाहिरा नहीं कर सकता। और इसी तरह हाजरीन ग्रामी, अगर सामईन हजरात को उसकी समातों को उसका शऊर उसका शरफ हासिल ना हो तो सामईन इकराम उसके लुत्फ से अंदोज नहीं हो सकते। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम तर मखलूकात इस रूए जमीन पर भेजी हाजरीन, वहीं पर अल्लाह ने इसके बावजूद भी इंसान को अशरफ बनाया, इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। हाजरीन, मुशायरा चाहे जितना बड़ा हो हम सबसे पहले अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करते हैं तो आइए उसके महबूब का जिक्र किया जाए। उस महबूब का जिक्र करें हाजरीन कि जिसके सदके में दुआएं कबूल होती हैं, जिसके संगे दर पर पहुंचकर अखलाक अपनी तकमील को पहुंचता है। वो नबी बरहक कि जिसके सदके में कायनात की तखलीक की गई। हाजरीन अज़्ज़ाम, जिसके सदके में हमें जन्नत का परवाना मिलेगा। शायर कहता है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। तो आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस
इस मुशायरे का बाबरकत आगाज हो, जिसके लिए मैं अपनी फहरिस्त से एक ऐसे नाम का इंतखाब करना चाहता हूँ हाजरीन, जिसने जहाँ बहारियों बहारिया मुशायरों में अपना एक मकाम बनाया, वहीं पर हाजरीन नातिया और हमारे दीनी इजलास में बड़ी मोहब्बतों से समात किया जाता है, जिसे वो आपका हर दिल अजीज मुतरन्निम लबो लहजे के शायर जनाब काविश रुदौलवी का वो नाम है। इस बाबरकत महफिल का आगाज हो, मैं भाई काविश रुदौलवी से बहुत दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपनी नाते पाक से हम सब की हाजिरी दर्ज कराकर इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें। आप हजरात जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह कहकर भाई काविश का इस्तकबाल करें, बोले मचल के सुभान अल्लाह। सदर मोहतरम शोरा कराम नाज़िम मुशायरा और सामिन हज़रत अस्सलामु अलैकुम। मैंने सलाम किया, उधार नहीं मांगा, माशाल्लाह। मैं एक बार फिर आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। आजमगढ़ सिरसाल के अच्छे सामईन, नाते पाक पढ़ने का शरफ मेरे हिस्से में आया है, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वो आजमगढ़ है, ये वो मऊ है, ये वो आजमगढ़ है जिसने काविश को काविश उदौलवी बनाया है। नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, उस पाक जात का जिक्र करता हूँ जिसके सदके में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया है। तो किस तरह से आपको सुनना है अपने सरकार की तौसीफ व तारीफ, किस तरह से आपको झूमना है और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ये आप बखूबी जानते हैं, आपको बताना नहीं है। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास, इजाजत है तो एक बार पेश कर कहते हैं सुभान अल्लाह। बांगे जन्नत में जो पहुंचा दे वो जीना मिल जाए, बांगे जन्नत में जो पहुंचा दे वो जीना मिल जाए। नब्ज पकड़ लीजिएगा, बागे जन्नत में जो पहुंचा दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बागे जन्नत में जो पहुंचा दे वो जीना मिल जाए, बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बागे जन्नत में जो बागे जन्नत में जो पहुंचा दे वो जीना मिल जाए, बागे जन्नत में जो पहुंचा दे वो जीना मिल जाए, के बागे जन्नत में जो पहुंचा दे वो जीना मिल जाए, बागे जन्नत में जो पहुंचा दे वो जीना मिल जाए। हम गुनाहगारों की मिट्टी को मदीना मिल जाए, हम गुनाहगारों की मिट्टी को मदीना मिल जाए, हम गुनाहगारों की मिट्टी को मदीना। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। और ये भी शेर बतौर खास पेश करता हूँ, बहुत खूबसूरत सुना, क्या कहना, कहने मचल के सुभान अल्लाह। के हंसते हंसते मेरी हस्ती भी किनारे पहुंचे, हंसते हंसते मेरी हस्ती भी किनारे, क्या क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। वो शायद मुझे लगता है कि बोलने वाले सब पीछे बैठ गए, लेकिन जो आगे बैठे हैं मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मुझे देखना है कि हंसते हंसते मेरी हस्ती भी किनारे पहुंचे, हंसते हंसते मेरी हस्ती भी किनारे पहुंचे, हंसते हंसते मेरी हस्ती भी किनारे पहुंचे, बस गुलामा ने मोहम्मद का सफीना मिल जाए, बस गुलामा
क्या कहना भाई, वाह 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 काविश भाई, वाह 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 क्या कहना भाई। माने मोहम्मद का सफीना मिल जा, वाह 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 वाह, कि मुझको हो ऊद हो अंबर हो के मेला के गुलाब, मुश्कु हो ऊद हो अंबर हो के बेला के गुलाब, के मुश्कु हो ऊद हो अंबर हो के बेला के गुलाब, सबकी हसरत है के आका का पसीना मिल जाए, सबकी हसरत है के। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 काविश भाई, सबकी फिर से पढ़ दूं तो मचल के बोल दे, दोनों हाथों को फजा में लहराए, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, के मुश्कु हो ऊद हो अंबर हो के बेला के गुलाब, सबकी हजरत के आका को पसीना मिल जाए, सबकी हजरत का पसीना मिल जाए, सबकी हसरत है के आका का पसीना मिल जाए, इश्क सरकार तो आलम का सलीका हो नसीब, कह दे आमीन। इश्क सरकार दो आलम का सलीका हो नसीब, इश्क सरकार नसीब, काश अस्हाबे पयंबर का करीना मिल जाए, काश अस्हाबे पयंबर का करीना मिल जाए, हम गुनाहगारों की मिट्टी को मदीना मिल जाए, हम गुनाहगारों की मिट्टी को मदीना मिल जाए। आगे के लोग भी इधर के जाग गए और वो लोग तो माशाल्लाह जाग रहे हैं, जो इस जानी बैठे थोड़ा सा ये लोग भी जाग गए, अपने हाथों को उठाकर बताएं कि आप जाग रहे हैं, एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। पेश करता हूं कि ऐ खुदा रूह को, अगर ये शेर आपके दिल को छू जाए तो कोई खामोश ना बैठेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं फजाओं में गूंजनी चाहिए। पेश करता हूं कि ऐ खुदा रूह को, ऐ खुदा रूह को देना मेरी मोहलत इतनी, वाह वाह वाह, ऐ खुदा रूह को देना मेरी मोहलत इतनी, 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 जब तलक रोज़े अक़दस की गली ना मिल जाए, जब तलक रोज़े, अरे वाह वाह क्या कहना काविश भाई, वाह वाह, जब अक़दस की गली ना मिल जाए, हम गुनाहगारों की मिट्टी को मदीना मिल जाए, कहना भाई वाह वाह वाह, मेरे सरकार पे नाज़िल जो किया है रब ने, बोल दे सुभान अल्लाह, कि मेरे सरकार पे नाज़िल जो किया है रब ने, मेरे सरकार पे नाज़िल जो किया है रब ने, मेरे सरकार पे नाज़िल जो किया है रब ने, मेरे सीने को वो अनमोल खजीना मिल जाए, मेरे सीने को वो अनमोल, मेरे सीने को वो अनमोल नगीना मिल जाए। मेरे बहुत प्यारे दोस्त अजमल साहब, उनकी दुआएं चाहता हूं और ये शेर पेश करता हूं
कि सब्ज गुंबद बनी, सब्ज गुंबद है बनी जिसकी अंगूठी दुनिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सब्ज गुंबद है बनी जिसकी अंगूठी दुनिया, सब्ज गुंबद है बनी जिसकी अंगूठी दुनिया। मुझको का विश्व वही अनमोल नगीना बन जा। मुझको का विश्व वही, क्या कहना भाई, मिल जा बाग जन्नत में जो पहुंचा दे वो जीना। मिल जाए हम गुलामानो, हम गुनाहगारों की मिट्टी को मदीना। मिल जाए हम गुनाहगारों की मिट्टी को मदीना। मिल जाए, फिर से पढ़ दूं। वक्त कम है चूंकि ये आजमगढ़ है और आजमगढ़ पूरी दुनिया में तालीम के हवाले से और तमाम चीजों के हवाले से जाना जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ, हिम्मत करता हूँ एक नाते पाक पढ़ने की, जो उमूमन मैं मुशायरों में नहीं पढ़ता। आज के मुशायरे में मैं हिम्मत करता हूँ, कोशिश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसको सराहेंगे और मुझे दुआएं देंगे। इजाजत है तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आहा वाह वाह वाह। ये मेरा तन, ये मेरा तन, ये मेरा धन, मेरे सरकार के सदके। बोल दे सुभान अल्लाह। ये मेरा तन, ये मेरा धन, मेरे सरकार के सदके, मेरे सरकार के सदके। शाह खालिद पेश करता हूँ। ये मेरा तन, ये मेरा धन, मेरे सरकार के सदके। ये मेरा तन, ये मेरा धन, मेरे सरकार के सदके, मेरे सरकार के सदके। मेरी सांसें, मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरे सरकार के सदके। मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरे सरकार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सरकार के सदके, जो कलियां मुस्कुराई हैं, जो गुंजे खिल खिलाए। वाह वाह वाह। मैं ऐसी भी नात पढ़ दूंगा कि यहाँ पर आग लग जाएगी पिंडाल में, लेकिन मैंने आप आपकी उम्मीद पे मैंने ये नाच छेड़ी है। पेश कर दो एक बार, कहने सुभान अल्लाह। जो कलियां मुस्कुराई हैं, जो गुंजे खिल खिलाए हैं, जो गुंजे खिल खिलाए हैं, महक उठे हैं ये गुलशन, मेरे सरकार के सदके। महक उठे हैं ये गुलशन, मेरे सरकार के सदके। और एक मजमून मैंने नज्म किया है, मैं मेरी निगाह से तो ये मजमून नातिया कलाम में अभी तक मैंने मेरी नजरों ने नहीं देखा, ना मेरे कानों ने सुना। अगर नया पल लगे तो मुझे दुआएं दीजिएगा। शादे आले। ये मेरा तन, ये मेरा धन, मेरे सरकार के सदके। शरीके जिंदगी ने जो कहा, सुभान अल्लाह। अगर काफिया लग जाए तो कोई खामोश ना बैठे। कि शरीके जिंदगी ने यूं कहा, मासूम ले जा।
बने हम तुम दुल्हा दुल्हन मेरे सरकार सुभान अल्लाह बने हम तुम वाह 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 क्या कहना भाई अरे वाह वाह क्या कहना देखिए कन्वीनर मुशायरा सरफराज मिर्जा आलम साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा एक मरतबा कन्वीनर मुशायरा सरफराज मिर्जा आलम साहब के लिए बोले मैं चल के सुभान अल्लाह मोहतरम काशिफ आजमी साहब जिनके नाम से मुशायरा मुनक्किद है और मेरे मोहतरम मिर्जा सरफराज आलम साहब जो इस मुशायरे कन्वीनर हैं इनकी दुआएं चाहता हूँ इजाजत है पढ़ दूं एक बार कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शरीके जिंदगी ने यूं शरीके जिंदगी ने यूं कहा मासूम ले जे में कहा मासूम ले जे में बने बने हम तुम दुल्हा दुल्हन मेरे सरकार के सदके बने हम तुम सरकार के सदके बने माशाल्लाह माशाल्लाह बने हम तुम दुल्हा दुल्हन मेरे सरकार के सदके जो जैसे हैं पूरे हो अरकान मदीने में जो जैसे हो अरकान मतलब पढ़ता हूँ उसके बाद मुझे नज्म के लिए होगा वो नज्म में पढ़ूंगा मतलब पढ़ के देखना चाहता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं या नहीं एक बार कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो जैसे हैं पूरे हो अरकान मदीने में जो जैसे हैं पूरे हो के जो जैसे हैं पूरे हो अरकान मदीने अल्लाह करे गुजरे अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में अरे वाह अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने क्या कहना भाई सुभान अल्लाह अल्लाह करे गुजरे अच्छा कौन कौन चाहता है कि उसका रमजान मदीने में गुजरे एक बार दोनों हाथों को फजा में ला रहा है बोले सुभान अल्लाह कि जो जैसे हैं पूरे हो अरकान मदीने अल्लाह करे गुजरे रमजान मदीने में अल्लाह करे गुजरे तनवीर मूवी और मोहन मुंतजिर साहब खालिद शाह खालिद और मेरे तमाम शायर दोस्त यहाँ पर तशरीफ फरमा है इनके हवाले से आप सबकी दुआएं चाहता हूँ ये शेर पेश करता हूँ कि लौटाने अमानत मेरी मुजार लौटाने अगर शेर बन गया हो तो मुझे दुआएं दीजिएगा लौटाने अमानत मेरी बुलवाए वो दोबारा मेरे आका का लकब अमीन था पेश करता हूँ इसे कि लौटाने अमानत मेरी लौटाने अमानत मेरी बुलवाए वो दोबारा मैं जान के भूलाऊं अरे मैं जान के भूलाऊं सामान मदीने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं जान के सामान मदीने में क्या अच्छा काफिया दिया जान के भूलाऊं सामान मदीने अल्लाह करे गुजरे कहना भाई वाह वाह नबवी के सुभान अल्लाह नबवी के मनारे हो
रोजे के नजारे हो, नबवी के मनारे हो, के नबवी के मनारे हो, रोजे के नजारे हो, ऐ काश सुनू जाके, ऐ काश सुनू जाके कुरान मदीने में, काश सुनू जाके कुरान मदीने में, ऐ काश सुनू जा। आप कमजोर पड़ जाएंगे तो आपका भाई भी कमजोर पड़ जाएगा। बोल दे मचल के सुभान अल्लाह, के आका के तबस्सुम से खिलते थे सुमन सारे, आका के तबस्सुम से खिलते थे चमन सारे, आका के तबस्सुम से, आका के तबस्सुम से खिलते थे चमन सारे। सरफराज भाई के जब नात सुनाते थे, जब नात सुनाते थे हसन मदीने में, जब नात सुनाते क्या कहना भाई, हसन मदीने में क्या कहना, जब नात सुनाते थे। और ये भी शेर पेश करता हूँ के हो अजूबा खजू, अजमल भाई हो अजूबा खजूरे जम जम की सुराही हो, सुभान अल्लाह। अगर अरबान है तो मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, के हो अजूबा खजूरे जम जम की सुराही हो, हो अजूबा खजूरे हो, अजूबा खजूरे जम जम की सुराही हो, इफ्तार करूं बन के, अरे इफ्तार करूं बन के मेहमान मदीने में, इफ्तार करूं बने। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, इफ्तार। और ये शेर पेश करता हूं अपने शायर दोस्तों के हवाले से, ये शेर पेश करता हूं, सुभान अल्लाह। काविश भाई शुरू से अब तक बड़ी मेहनत कर रहे थे कि हो सकता है कुछ नजराने खुलूस आ जाए, तो माशाल्लाह आ गया है, और यहाँ से वो भरपूर मेहनत करेंगे। देखिए हाजरीन, गजल के मुशायरे में इनाम आप दें न दें ये अलग बात है, मगर जब नाते पाक पढ़ी जा रही और आप इनाम देते हैं तो ये शायद इससे हौसला अफजाई होती है। लेकिन एक बात इस वक्त मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहता हूँ आप हजरात के, कि नात पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है, और इनाम देना हो आका मदनी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो एक मर्तबा इस भाई के लिए बोले मचल के सुभान अल्लाह। अब देखना यह है कि अकील भाई की तरह और कौन कौन आका की सुन्नत को निभाता है। एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, के इफ्तार करूं बन के मेहमान मदीने में। देखिए मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहबा हमारे डाइस पर तशरीफ ले आवी हैं, वही मोहतरमा सुल्तान जहां हिनांजुम साहबा और मोहतरमा दानिश गजल साहबा, ये जो आप हजरात ने इश्तिहारात में तमाम शोराए इकराम की तस्वीरें और उनके नाम देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग आज आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह यज्ञ के बाद दीगरे मैं तमाम शोराए इकराम को आप हजरात के हुजूर पेश करूंगा। नाते मकबूल सरवरे कौनैन पढ़ी जा रही है, यहाँ पर आप हजरात का थोड़ा सब होना बहुत जरूरी है। एक मर्तबा जो ये मामला थोड़ा सा कता ताल्लुक हुआ है, इसके लिए एक मर्तबा आप हजरात फिर से वही माहौल दे, पाकीजा माहौल मोहतरम काविश उदौलवी साहब को, और बोले मचल के सुभान अल्लाह। इजाजत है,
मैं उस पाक जात का जिक्र कर रहा हूँ जिसके नाम पर समंदर ठहर जाता है, क्या अच्छा लोगों की सांसें ठहर जाती हैं, जहाँ पर सांस भी लेना बेअदबी समझी जाती है। मैं पेश करता हूँ शेर बतौर खास, आप सबकी दुआएं जहां पर कहते मचल के सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह के खाके दर जाना जो छू जा मेरे तन को, खाके दर जाना जो के खाके दर जाना जो छू जाए मेरे तन को, बन जाए मेरी मीठी, अरे बन जाए मेरी मीठी लोबान मदीने, बन जाए मेरी मीठी लोबान मदीने में, लोबान मदीने में जो जैसे हैं पूरे हो, हर फिक्र यही रख के तू चल तो सही काविश, हर फिक्र यही रख के, हर फिक्र यही रख के तू चल तो सही काविश, सुल्तानों के रहते हैं, अरे सुल्तानों के रहते हैं सुल्तान मदीने, सुल्तानों के रहते हैं सुल्तान मदीने में, अल्लाह गुजरे रमजान मदीने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम काविश रुदौलवी साहब जो अपना कलाम आप हजरात की ज़हीन समाज के नजर कर रहे थे, नाते मकबूल पढ़ी जा रही थी और आप हजरात बड़े मुहज़्ज़ब होकर समाप्त कर रहे थे। ऐसा लग रहा था हाजरीन कि आप हजरात मदीने के हसीन तरीन गलियों का तसव्वुर कर रहे हैं, और क्या पाकीज़ा माहौल बना दिया कि इसके सिवा बता दो दुनिया में और क्या है। एक जलवे नबी है, एक जलवे खुदा है। अभी तक हाजरीन में देख रहा हूँ वहां से बैठकर, कहा जाता है हाजरीन की हमेशा दाहिना बाजू मजबूत हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर मेरा बाया बाजू मजबूत है। लेकिन हाजरीन इस पाकीजा माहौल में इस वक्त एक नज्म मैं पढ़ूंगा और इंशाल्लाह अभी तक जो हजरात नहीं बोले हैं वो बोलेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी हाजरीन मुशायरे का आगाज है और यही से एक माहौल बना दीजिए। सरफराज आलम साहब ने जो ये महफिल सजाई है, इनकी इनका इस महफिल को सजाना बहुत मेहनत कर रहे हैं। सरफराज भाई अब डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आपका मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा है कि इसके सिवा बता दो दुनिया में और क्या है। एक जलवे नबी है, एक जलवे खुदा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को, हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस करना न होता, पैदा करना न होता, तो न दरिया होता, न दरिया में रवानी होती, न बचपन होता, न बचपन से जवानी होती, न किसी की आनी होती, न किसी की जानी होती, न किस्सा होता, न कहानी होती, न पहाड़ होता, न बर्फबारी होती, न झरना होता, न झरनों में आबशारी होती, न सुल्तान होता, न सुल्तानी होती, न चांद होता, न चांदनी होती, न आसमां पे सितारों की रोशनी होती, न हुस्न होता, न इश्क में लज्जतें होती, न दिल होता, न धड़कने होती, न सिद्दीक होते, न सदाकत होती, न उमर होते, न अदालत होती, न गनी होते, न सखावत होती, न अली होते, न शुजात होती, न इंसान होता, न इबादत होती, न इंसान होता, न इबादत होती, न कुरान होता, न तिलावत होती, कोई खौफ रब से न बल्के भिगोता, मोहम्मद न होते कुछ भी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बहुत शुक्रिया हाजरीन। देखिए पीछे की हजरात वाले आगे के सामईन को बेदार कर रहे हैं, ये भी इस मुशायरे की तारीख में है और रकम की जाएगी। हमारे तमाम शायर दोस्त इस बात को रकम कर रहे हैं।